हेलो दोस्तों दोस्तों केन्या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी नैरोबी है। इस देश की लगभग 99% आबादी काले रंग की है। देश को जंगली जानवरों का घर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर आपको हाथी भालू शेर जैसे जानवर घूमते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केन्या के बारे में। पर्यटन केन्या के लिए आय का एक बड़ा सोर्स है। लोग प्रकृति को देखने के लिए इस देश में आते हैं। केन्या जंगलों से ढका हुआ है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा हरित देशों में से एक है। सबसे बड़े वर्षा वनों में से मऊ बर्न वन और काकामेगा वन शामिल हैं। केन्या में रात को लगभग 26 लाख लोग नंगे होकर दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं। यहां आपको हर घर में एथलीट मिल जाएगा। केन्या में लगभग 1132 तरह के पंछी हैं और इनमें से 342 तरह के पंछी तो एक ही पार्क में 24 घंटे से भी कम समय में देखे जा सकते हैं, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। केन्या में शादी के लिए दहेज का मूल्य 10 गायों से शुरू होता है। केन्या में 60 से ज्यादा स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। केन्या की आबादी में आधे से ज्यादा लोग गरीबी में रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्यों का जन्म केन्या में ही हुआ था क्योंकि यहाँ पर इंसानों के सबसे पुराने अवशेष पाए गए हैं। केन्या लगभग 100 सालों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा था। इसके बाद 12 दिसंबर 1963 को भारी संघर्ष के बाद ब्रिटेन से आजाद हुआ था। केन्या में हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं जो मुख्य रूप से जंगली जानवर जैसे कि शेर तेंदुआ जंगली भैंसा हाथी गेंडा जिराफ जेब्रा मगरमच्छ और पंछियों की अलग अलग तरह की प्रजातियों का लुप्त उठाने के लिए आते हैं। दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने वाले देशों में सबसे सख्त कानून केन्या में है। यहाँ पर प्लास्टिक के बैग के उत्पादन बिक्री और इस्तेमाल करने पर 4 साल की कैद या 25 लाख रुपए तक का जुर्माना है। केन्या की साक्षरता दर लगभग 78% है। केन्या में बंदरों का बहुत ही आतंक है। यहाँ पर लंगूर जाति के बंदर पाए जाते हैं जो बहुत ही ताकतवर बंदर माने जाते हैं। केन्या के काकामेगा जंगल में तितलियों और सांपों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। केन्या में 80% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, बाकी 20% इस्लाम हिंदू सिख और अन्य धर्म के लोग रहते हैं। केन्या की आय का दूसरा मुख्य सोर्स कॉफी है। यहाँ के लोग कॉफी पीना पसंद नहीं करते बल्कि चाय या फिर बियर पीना पसंद करते हैं। साफ पानी की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील का थोड़ा सा हिस्सा केन्या में है जिसका नाम विक्टोरिया झील है। गुलाब की खेती के मामले में केन्या तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में गुलाब का उत्पादन होता है। केन्या में एक रहस्यमय दृश्य काकामेगा में रोता हुआ स्टोन है। यह लंबा पत्थर लगभग 7 फीट का है जो पानी की एक लकीर पैदा करता है। स्थानीय वैज्ञानिक इसे समझने में नाकाम रहे हैं। यह पत्थर पानी की जो बूंदे पैदा करता है वह आंसुओं की तरह दिखाई देती है। केन्या की 99% आबादी काले अफ्रीकी लोगों से बनी है। केन्या में कोई भी सरकारी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था नहीं है। बिग 5 जानवरों को केन्या में पाया जा सकता है। ये जानवर गेंडा तेंदुआ शेर भैंसा और हाथी हैं। केन्या में लगभग 70 अलग अलग जनजातियों का घर है। केन्या की मुद्रा सीलिंग है। केन्या में वर्षा और शुष्क मौसम रहता है। केन्या में कोई भी मिडिल क्लास नहीं है। या तो वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हैं या फिर बहुत ही ज्यादा गरीब। केन्या के पुरुष एक से ज्यादा पत्नी रख सकते हैं। केन्या में कृषि के द्वारा 75% से अधिक नागरिक रोजगार करते हैं। केन्या भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर से सटे हुए इस देश की सीमा उत्तर में इथियोपिया उत्तर पूर्व में सोमालिया दक्षिण में तंजानिया पश्चिम में युगांडा व विक्टोरिया झील और उत्तर पश्चिम में सूडान से मिलती है। केन्या गणतंत्र पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। केन्या का नाम माउंट केन्या पर रखा गया है जो एक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रतीक है। केन्या देश में कई नदियां हैं जिसमें पर्यटकों को कारों के बजाय नाव से यात्रा करना संभव होता है। केन्या में भूमि का एक बड़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तट पर हिंद महासागर के अलावा ताजे पानी और नमकीन दोनों की केन्या में कई झीलें हैं। इनमें से कुछ झीलों के नाम विक्टोरिया नकुरा इवाइशा और बोगोरिया शामिल हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।